गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम भावना है। बच्चों, आज हमारा क्षितिज कक्षा 10 का पाठ है उत्साह अट नहीं रही है। यह पाठ छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली कविता है हमारी उत्साह। उत्साह यानी किसी कार्य को करने के लिए उत्साह, ठीक है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि ने नवजीवन वाले, वज्र छुपा नूतन कविता फिर से भर दो बादल गरजो। हे बादल, बादल जो हैं वो उत्साह और क्रांति के प्रतीक हैं। तो इसमें हमारी जो कविता है उसका नाम भी उत्साह ही है। तो बादल को कह रहा है, हे बादल, तुम इस आकाश को घेर कर और जो पानी भरकर जोर जोर से तेज तेज आवाज में गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित होता है सुंदर, सुंदर सुंदर तुम काले घुंघराले बालों की तरह जैसे बच्चे के कल्पना के समान बहुत ही सुंदर हो। विद्युत छवि उर्मे, उर होता है हृदय में, तुमने अपने हृदय में विद्युत की छवि छिपा रखी है कवि नवजीवन वाले, और तुम सबको नवजीवन देने वाले हो। वज्र छुपा नूतन कविता, और तुम्हारे अंदर जो वज्र छुपा है, वज्र एक शस्त्र होता है बेटा, तो वज्र छुपा है नूतन कविता, और तुम्हारे से नूतन कविता नई कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। फिर से भर दो हे बादल तुम गरजो, ठीक है। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विकल विकल यानी व्याकुल, व्याकुल थे उन्मन थे अनमने मन से, ठीक है, अनमना मन उदास मन। विश्व में निघाद के सकल जन के, विश्व यानी निघाद यानी सघन बहुत अधिक गर्मी, तो सभी व्यक्ति जब गर्मी से बहुत परेशान थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तुम किसी अज्ञात दिशा से एक आशा की किरण लेकर आए अनंत, ठीक है। तप्त धरा, तप्त होता है गर्म, धर्म इस प्रति तप्त धरा जल से, फिर तुमने तपती हुई धरा को, तपती हुई पृथ्वी को जल से फिर से शीतल कर दो। हे बादल तुम गरजो और बरसो। दूसरी कविता है मेरी अट नहीं रही है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा ही रचित है, ठीक है। इसमें जैसे कि हमने देखा होगा कि जब हम किसी चीज में कोई वस्तु भरते हैं और जब वो उसमें नहीं आती है तो वो बाहर निकलने लगती है, तो उसमें क्या कहते हैं, अट नहीं रही है, यानी उसमें समा नहीं रही है। सपोज करो जैसे हमने चीनी है एक थैले में भरी, और उसमें जब वो चीनी से थैला भर जाता है तो उसमें बाहर चीनी आने लगती है, तो हम उसे कहेंगे अट नहीं रही है, यानी इसमें समा नहीं रही है। इसी प्रकार इस कविता में फागुन मास का वर्णन है, चलो इसे देख लेते हैं। फागुन मास आ गया है तो अट नहीं रही है, अट नहीं रही यानी समा नहीं रही है। आभा, आभा होती है चमक सुंदरता, फागुल के तन की, फागुल मास की जो सुंदरता है वो अट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है, सट नहीं रही है, बिल्कुल भी आंखों में समा नहीं है, मतलब आंखों से बाहर आ रही है, ठीक है, जो उसकी चमक है। कहीं सांस लेते हैं, जब भी फागुल मास सांस लेता है, घर घर भर देते हो तो घर घर खुशबू से भर जाता है। उड़ने को तो नम्मे तुम तो उस टाइम इतना उत्साह आ जाता है, इतनी खुशी होती है कि पर कर देते हो तुम, एक निराशावादी व्यक्ति में भी पर लगा देते हो। आंख हटाता हूँ तो मैं सुंदरता से अपनी आंख हटाना चाहता हूँ, हट नहीं रही है लेकिन मेरी आंखें हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, अब इस मौसम में क्या होता है, फागुन मास में सारी डालें पत्तों से लद जाती हैं, यानी नए नए पत्ते, सुंदर सुंदर पत्ते आ जाते हैं, कहीं हरियर कहीं लाल, जहाँ पे हरी है तो वहाँ पे पत्तों से हरियर, कहीं पे लाल है तो वहाँ पर फूल का वर्णन किया गया है, और कहीं पर वे डाल फूल लगकर लाल हो जाती है। कहीं पड़ी है उर्मे, और कहीं कहीं तो उर्मे यानी हृदय में, धरती के हृदय में मंद गंध, मंद यानी सुंदर सुगंधित गंध, कहीं कहीं तो पुष्पों की सुगंधित माला भी धरती पर पड़ी हुई है। पाठ पाठ शोभा श्री, हर जगह जगह ये जो सुंदरता है, शोभा है, ये पट नहीं रही है, समा नहीं रही है, अर्थात फागुन मास की सुंदरता अट नहीं रही है। तो बेटा ये हमारी छोटी सी कविता थी,
जो सूर्यकांत जी ने लिखी है, इसमें उत्साह रट नहीं रही है। मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।